नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कोशिश करता है। हर घर में लक्ष्मी पूजन होता है, हर घर में माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद हैं। दोस्तों, जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ देवी लक्ष्मी साक्षात रूप से स्वयं वास करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि उम्र भर माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे, तो इस दीपावली ये कुछ चीज़ें अवश्य ही अपने घर पर लेकर आएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो सामान। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन नमक का पैकेट खरीदकर अपने घर पर अवश्य लेकर आएं और उसे खाने बनाने में उपयोग करें। ऐसा करने से दोस्तों सारा साल लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन आप नमक के पानी का पोछा लगाएं तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी में डालकर या डिब्बी में डालकर रखा जाए तो इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, धन आगमन के नए साधन बनने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, घी में कमल गट्टे को मिलाकर लक्ष्मी जी को भोग कराने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। दोस्तों, धन और बरकत के लिए कमल गट्टे की माला अपने घर में अवश्य रखें और हो सके तो इस धनतेरस या दीपावली के मौके पर इसे खरीद कर अपने घर पर लेकर आएं। यह आपके लिए बेहद शुभ फलदायी रहेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर आप बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी या फिर काली हल्दी अपने घर पर लेकर आए और इस हल्दी को कोरे कपड़े में रखकर स्थापित करें तथा षडोष उपचार से पूजन करें। साथ ही दोस्तों, लक्ष्मी पूजन के वक्त एक पीली हल्दी की गांठ भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य आसानी से बनने लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि धनिया, हल्दी, कमलगट्टा, कोड़ी तथा काला नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले और लक्ष्मी मंदिर में जाकर इस पोटली को देवी के चरणों में स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख लें। या फिर दोस्तों, दीपावली पूजन के समय इसे माँ के चरणों में रखें और उसके पश्चात अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर इसे रख लें। ऐसा करने से दोस्तों, घर तथा आपके कारोबार में सभी धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं तथा नए धन आगमन के स्रोत बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस धनतेरस तथा दीपावली के मौके पर इन उपायों को अपनाकर स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी भक्त यह वीडियो देखे, नीचे कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।